तो पिक्चर लुकअप है हमारे पास, और पिक्चर लुकअप में हम आपके साथ बात कर रहे हैं किस तरह से हम पिक्चर को लुकअप करते हैं। आपने वी लुकअप वगैरह देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट में डेटा को लुकअप किया जा सकता है, उसी तरह से मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि किसी पिक्चर को लुकअप। मुझे मेरे पास दो तरह के डेटा है, मेरे पास दो तरह की समरी है, सेल्स वाइज है और दूसरा हमारा नेम वाइज है। तो अगला हमारा समरी सीट है, हमारे पास एक समरी सीट है और इस समरी सीट के ऊपर हमारे पास जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट नेम, हमें क्या लिखा, हमें लिखा सेलेक्ट नेम। और यहाँ जो है मुझे ड्रॉप डाउन बनाने के लिए मैं यहाँ डेटा मेनू बार के अंदर एक होता है आपके सामने डेटा वैलिडेशन, ये डेटा वैलिडेशन होता है, इस डेटा वैलिडेशन के ऊपर हमने लिस्ट पे गए और यहाँ पे हमने दो लिस्ट डाल दिया नेम एंड मंथ। ओके कर दिया, मतलब कि मैं यहाँ नेम सेलेक्ट कर सकता हूँ इस तरह से ड्रॉप डाउन पे और मंथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ मुझे क्या करना है कि जब मैं नेम सेलेक्ट करूँ तो मेरा यहाँ का नेम वाला जो हमारा रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आ जाना चाहिए, अगर मैंने मंथ किया तो मंथ वाला आ जाना चाहिए। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस एक मिनट में पेज डॉट पेज की बैकग्राउंड हटा देता हूँ, मैंने बैकग्राउंड हटा दिया और फिर मैंने इसको क्लिक करके कॉपी करता हूँ और समरी में आता हूँ, यहाँ पे होम पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, क्योंकि मैंने बात की थी लास्ट क्लास में पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। तो ये जो पिक्चर है ये हमारे इस डेटा से लिंक होगा और यहाँ पे आपके सामने रेफरेंस आ रहा है। तो मुझे अगर नेम बाई चाहिए तो यहाँ जो रेफरेंस है नेम का रेफरेंस क्या है, A21 से J34। तो अगर मैं यहाँ A3 के जगह पे A21 और J34 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ नेम बाई आ, पर प्रॉब्लम है कि ये तो बहुत बड़ा ये नाम है, इसको चेंज करने में तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने इस रेंज का एक शॉर्ट नेम या डिफाइन नेम या कस्टम नेम, जो भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग निक नेम बोलते हैं, हम डिफाइन कर लेते हैं। कहाँ से, फॉर्मूला मेनू बार से डिफाइन नेम, इसका नाम हमने मंथ रख दिया, ऑटोमेटिक मंथ आ गया, मंथ रख दिया, आप चेंज कर सकते हैं, ये फर्स्ट सेल्स के अकॉर्डिंग आ जाता है। फिर हमने दूसरा, हमने यहाँ पे दूसरे को सिलेक्ट किया डिफाइन और यहाँ पे नेम ले लिया एंड ओके। अब क्या है कि इसका एड्रेस कुछ भी हो बट एक्सेल इसको मंथ के नाम से और इसको नेम के नाम से जानता है। अब मैं समरी शीट में आता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका जो नेम यहाँ पे नेम कर देता हूँ, तो नेम बाई है और इसके मंथ कर दूं तो मंथ बाई है, ठीक है, थोड़ा आसान हो गया पहले से। आपने यहाँ पे नेक्स्ट सेल में बी कॉलम में बी थ्री में आपने अभी फिलहाल नेम और इक्वल टू नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं किया, इस पे कुछ अभी इससे कोई लिंक नहीं हमारा, ठीक है ना, इसको फिलहाल भूल जाए। अभी मैंने बताया कि पिक्चर, हमने पिक्चर को कॉपी पेस्ट किया, पहले कॉपी करके वैल्यू पेस्ट एज ए लिंक किया, जब पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं उसका एड्रेस आता है, तो एड्रेस काफ़ी बड़ा था तो हमने डिफाइन नेम करके उस एड्रेस को छोटा कर लिया। हाँ। ये समझ में आ गया आपने यहाँ तक, हाँ जी, आपने नाम चेंज किया वहाँ तक समझ में आ गया। हाँ। डिफाइन नेम में आपने देखना। हाँ, तो अब क्या होगा कि हमें पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करके अगर मैं यहाँ ऊपर फॉर्मूले बार में अगर मैं अपना डिफाइन नेम डालता हूँ तो उसके हिसाब से मेरा चार्ट यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। अब इसी को इसी को लिंक करना है किससे, नेम से, यहाँ जो लिखे हुए हैं वैल्यू इससे लिंक करना है। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अब मैं A1 पे मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ, अगर कहीं भी आप यहाँ पे जैसे कि मैंने किया इक्वल A1 तो इससे क्या हुआ, A1 की वैल्यू आ जाती है। A1 को क्या समझ लेता है, A1 को समझ लेता है रेंज। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ A1 और मैं फॉर्मूले को बोलूं कि भाई ये जो यहाँ A1 लिखा हुआ है बस A1 नहीं, इस A1 का रेफरेंस इस 20 को दे दो, तो नहीं आएगा, A1 ही आएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला एज ए क्या मांग रहा है, इसको रेफरेंस मांग रहा है,
उसको एज ए टेक्स्ट मान रहा है। तो आपको समझाना होगा कि भाई ए वन के वन पे लिखा हुआ ए वन जो है कोई नाम कोई रेंज कोई नाम या कोई करेक्टर नहीं है, एक रेफरेंस है, एक सेल एड्रेस है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए क्या है, इस चीज़ को समझाने के लिए हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट फॉर्मूला, इनडायरेक्ट। और इसमें मैं इस ए वन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ए ट्वेंटी ट्वेंटी आ गया, मतलब तो डिलीट कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ करेक्टर जो कि नेम और मंथ है, हमें बताना है कि जो मेरा डिफाइन किया हुआ नेम है ना, ये नेम है करेक्टर नहीं है। तो उसके लिए भी मैं अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो उसका पूरा डेटा यहाँ शो हो गया, हो गया। लेकिन मुझे इसको यहाँ सेल पे नहीं, मुझे इसमें शो करना है। अब यहीं पे एक प्रॉब्लम हो गई कि मैं यहाँ इनडायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये बोल रहा है कि ये जो है किसी भी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझे। मतलब कि आप जो है पिक्चर जो है जो पिक्चर्स लिंक होता है जो हम कॉपी के पेस्ट से लिंक करते हैं पिक्चर लिंक, उस लिंक के अंदर ऊपर में आप डायरेक्ट रेफरेंस डाल सकते हो ए वन बी वन सी वन, डिफाइन किया हुआ नेम डाल सकते हो, डिफाइन नेम डाल सकते हो, जो आपने रेंज को डिफाइन करके नया नाम बनाया वो डाल सकते हो, लेकिन कोई फॉर्मूला डाला ना। हाँ मंथ जो है ना यहाँ पे आप कोई डिफाइन नेम जो मंथ है मुझे इस मंथ को यहाँ से उठाना है ना, जैसे यहाँ पे मैंने मंथ सेलेक्ट कर रखा है मुझे यहाँ से उठाना है। अभी हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ मैनुअल टाइप करना पड़ रहा है ना। हाँ जी हाँ जी, मुझे पहले पिक्चर पे क्लिक करना पड़ रहा है, ऊपर मैनुअल टाइप करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लिंक कर ले, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बी थ्री पे डाला हुआ जो मंथ है वो अभी इसको समझ रहा है कंप्यूटर ये एक तरह का टेक्स्ट है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे डाल दिया B3 तो क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे मंथ दिखेगा, ये फॉर्मूला उसको मंथ पे नहीं ले जाएगा, मंथ नाम का डिफाइन नेम पे नहीं ले जाएगा, समझे। तो ऐसा ले जाने के लिए मुझे इस मंथ को, मैं इस B3 जो मैंने सिलेक्ट किया था, इस B3 को इनडायरेक्ट के अंदर में डालना होगा, समझ गए, इसको इनडायरेक्ट के अंदर डालना होगा। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला सेम सेल वैल्यू का डेटा डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं ना। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला का यूज होता है कि अगर आपने किसी रेंज का या डिफाइन नेम का अगर सेल पे टाइप कर दिया होगा, क्योंकि टाइप कर दीजिए तो टेक्स्ट होगा, इसे मैंने आप ए वन टाइप कर दिया तो टेक्स्ट है। तो अगर आप ए वन के अंदर इस इनडायरेक्ट के अंदर भी इस ए वन को डालेंगे, इस टाइप की गई वैल्यू को डालोगे तो उसको कन्वर्ट करके रेफरेंस में और उस लोकेशन का वैल्यू शो कर देगा, जैसे कि ए वन को कन्वर्ट करके इस 21 को वैल्यू टाइप कर दिया। तो इनडायरेक्ट फार्मूला कहने मतलब कि इनडायरेक्ट फार्मूला हमारा पिक्चर लुकअप कवर नहीं कर सकता, नहीं एक्सेप्ट करता है। नितिन जी आपको समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? जी सर अभी तो समझ ही रहा हूँ। अब इसका सलूशन क्या है? तो ये जो है डिफाइन नेम लेगा नहीं तो रेंज लेगा, लेकिन डिफाइन नेम कहता है कि तुम मुझे फॉर्मूला दे सकते हो, डिफाइन नेम बोलता है कि तुम मुझे फॉर्मूला दे सकते हो। तो मैंने एक नया डिफाइन नेम किया जिसका नाम शो किया और जो रेफरेंस में वहाँ पे किसी एरिया रेफरेंस नहीं दिया, इसलिए मैं इनडायरेक्ट नाम का फॉर्मूला दे दिया, इनडायरेक्ट नाम का फॉर्मूला, और इसमें हमने दिया बी थ्री, समझे। बी थ्री को एक बार मुझे ये करना होगा, फ्रीज करना होगा। तो एक बार बताइए, हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाना था तो हमने यहाँ पे डिफाइन नेम की थी।
सर इसलिए किया क्योंकि आपका इनडायरेक्ट फॉर्मूला चार्ट नहीं, जो पिक्चर एक्सेप्ट नहीं करता है ना। देखिए ये जो फॉर्मूला बोलेगा कि सेम फॉर्मूला मैं पिक्चर पे लगा दूं, तो आप एक मिनट, सॉरी ब्रैकेट ओपन नहीं रहा हुआ, मैं दिखाता हूँ जाइए, मुझे एक बार दिखा दीजिएगा। अब मुझे सेम फॉर्मूला में मान लीजिए इस पर लगाना है, तो इस पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इस पर मैं करता हूँ इक्वल इनडायरेक्ट और इस पर मैंने दे दिया बी थ्री, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है, इस कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है किसी भी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता है। लिंक्ड ऑब्जेक्ट किसी भी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता, वो सिर्फ डायरेक्ट रेफरेंस या फिर डिफाइंड नेम दो चीज को एक्सेप्ट करता है, बट डिफाइंड नेम जो है वो किसी भी तरह के फॉर्मूले को एक्सेप्ट करता है। तो हमने डिफाइंड नेम में अपना फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है। अब मैं यहां पिक्चर के अंदर में वो डिफाइंड नेम जो कि मैंने बनाया था शो वो डाल दूंगा। अब क्या होगा कि मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा नेम, अब ये नेम जो है जाएगा डिफाइन इसको शो को, शो क्या करेगा ये जो दो नेम है उसमें से किसी जो होगा नेम होगा इस नेम को पिक्चर को रेफर कर देगा और पिक्चर अपना रिजल्ट आपको चेंज कर देगा, समझे। ये भी आज थोड़ा सा बस दोबारा बताते हैं, ये आपने सेलेक्ट कहां से किया शो वाला? हमने शो वाला सेलेक्ट नहीं किया, हमने शो वाला बनाया डिफाइन नेम में जाकर और पिक्चर पे क्लिक किया जहाँ पे मैं मंथ और नेम वगैरह चेंज करता था ना इसको लगा के, उसके जगह पे मैंने शो लिख दिया क्योंकि शो के अंदर इनडायरेक्ट लगा हुआ है, समझे। हाँ जी, तो मैं एक बार इसको समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले आपने जाके डेटा बनाया, फिर सेकंड शीट में आके आपने सेलेक्ट नहीं लिखा, यहाँ पे आपने दो ड्रॉप डाउन ऐड करे मंथ और ये सेल्स वाला नेम वाला, उसके बाद आपने जो है पेस्ट एज अ लिंक किया है ये यहाँ पे चार्ट पे, वहाँ पे आपने इसका पहले तो इसका मंथ और वो सेल्स चेक किया कि लाइक डेटा चेंज हो रहा है कि नहीं, उसके बाद हमने यहाँ पे डिफाइन नेम ऐड किया है, डिफाइन नेम के अंदर ही हमने एक नया डिफाइन नेम ऐड किया है जो शो हमने नाम दिया उसके अंदर, उसी के अंदर हमने इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाया है जी। अब फॉर्मूला लगाने के बाद वो यहीं से डेटा पिक कर एक आखिरी क्वेश्चन नहीं मेरा एक क्वेश्चन बताइए, आपको मैंने कल जो रिकॉर्डिंग भेजा था उसको देखा था आपने? जी जी देख लिया था मैंने। फिर भी इतना क्वेश्चन है, सिर्फ देखने से थोड़ी ना आ जाता, अगर देखने से आ ही जाता तो फिर कैसे होता। चलिए चलिए क्या क्वेश्चन बताइए। कल जब मैंने देखा था ना तो वीडियो में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था, बट आज जो आपने जो समझाया ना वो मुझे एकदम क्लियर हो गया, इसलिए तो वीडियो दिखाया था। अगर डायरेक्ट डायरेक्ट समझाता तो फिर वीडियो की तरह कुछ समझ में नहीं आता। हाँ जी हाँ जी, तब तो बहुत बैकअप जाता पक्का है। मेरा आखिरी क्वेश्चन ये था कि आपने जो शो के अंदर फॉर्मूला लगाया उसके अंदर आपने बी थ्री का रेफरेंस दिया था जी, जी 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 बस 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 ठीक है, मुझे अब क्लियर है। नितिन जी आपको क्लियर हुआ है? प्रीवियसली आपने क्या वीडियो भेजी है सेम चीज भेजा, मैंने सेम भेजा था जो ये पढ़ाया है ना ये चीज में किसी और को पढ़ाया था और सेम चीज भेजा था। क्या होता है कि जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है ना मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन इस टॉपिक को एक बार में नहीं समझ पाएगा, तो उसको हम क्या करते हैं पहले से उसी टॉपिक का रिकॉर्डिंग वीडियो दे देते हैं। हां मतलब अभी मतलब टोटली मतलब वो चीज मेरे को ओवरऑल पता लग रहा है कि हां ये क्या है क्या नहीं, बट लेकिन जो आपने अंदर जो किया है ना ये तो चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं। अच्छा मान लीजिए कि आपने किसी स्कूल का डेटाबेस बनाया, ये आवाज आ रही है आपको सर? जी सर। आपने किसी स्कूल का डेटाबेस बनाया ठीक है, तो आपने वी लुकअप और बाकी चीज लगा के आपने क्या किया कि उस स्कूल का पूरा रिकॉर्ड ले लिया। मैं चाहता मैंने क्या किया कि एक सीट के ऊपर मैंने डेटाबेस डाल रखा है, मतलब कि रोल नंबर क्या है, नाम क्या है, फादर नेम क्या है, वगैरह वगैरह सब कुछ डाल रखा है ठीक है। एक सीट में हमने क्या कर रखा है कि मैं रोल नंबर टाइप करूँ तो मुझे उसका पूरा डिटेल दिख जाए, ये जो डिटेल है सिंपल वी लुकअप फॉर्मूले से आ जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके फॉर्मूले भी दिख जाए, सॉरी फोटो दिख जाए।
अब फोटो के लिए अगर आपने उसकी जेपीजी फॉर्मेट में बना के रखा हुआ है कहीं ड्राइव में, तो उसके लिए फिर आपको वीवीए प्रोग्रामिंग यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने उसको पेज पे एक्सेल सीट पे रख दिया, तो फिर जो है उसको पिक्चर लुकअप के माध्यम से लाया जाता है। सबसे पहले मैं कुछ फोटो जो है इंटरनेट से उठा लेता हूँ। मैं नितिन जी को ही सर्च करता हूँ गूगल फोटो पे, देखता हूँ क्या नाम कौन कौन आता है। तो वो साउथ हीरो है शायद नितिन, पता नहीं था मुझे इसका नाम नितिन है। मुझे भी नहीं। तो हमने इसको कॉपी इमेज किया और अपने एक्सेल शीट पे गया, हमने पेस्ट किया और इसको मैंने छोटा कर दिया। और इस जितना बड़ा हमारा साइज है ना, इसका टेक सेल का साइज है, उसमें फिट कर दी। ध्यान रखिएगा सेल से बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो पिक्चर लुकअप है वो इस सेल को लुकअप करता है, ना कि इसके ऊपर पिक्चर को लुकअप करता है। इसलिए सेल के अंदर ही होना चाहिए, अगर बाहर हुआ तो कट जाएगा फिर, ठीक है। ये चीज मैंने किया था बहुत पहले, जैसे फोटो थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको कॉर्प कर देता हूँ। कॉर्प होता है जिससे पिक्चर को छोट काट सकते हैं। मोबाइल फोन में भी इजीली होता है ना, तो फिर दूसरा फोटो हम यहाँ से उठा लेते हैं। लास्ट एक बार फोटो लेते, पांच ले थे। ओके, तो ये इस तरह से मेरे पास 5, 10, 20, 50 फोटोज वगैरह हैं, जो कि मेरे एक्सेल सीट पे इस तरह से डले हुए। अब मैं चाहता हूँ दूसरे किसी सीट पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे रोल नंबर दिया और मैं इस एरिए में एक एरिया मैंने सेलेक्ट कर रखा हूँ, मैं चाहता हूँ इस एरिए में मेरा फोटो विजुअल हो जाए, तो रोल नंबर 1 किया, तो कैसे होगा? क्योंकि अगर डेटा होता तो जनरली हम वी लुकअप लगा देते, जैसे डेटा नेम वगैरह चाहिए आपको तो हम डेटा बेस से वी लुकअप लगा देते, लेकिन पिक्चर्स के लुकअप कैसे करें? तो हम जो ये मेथड यूज किए हैं ना, इसी मेथड को यूज करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सर अगर आप डिफाइन नेम करने जा रहे हैं, हर एक पिक्चर का डिफाइन नेम करेंगे, तो सर ऐसे तो 10,000 पिक्चर 10,000 नेम डिफाइन करना पड़ जाएगा। तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम इसको डायनेमिक करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक मैच का फॉर्मूला, एक क्या होता है मैच का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या करता है, सॉरी सर, अभी जो आपने पिछला वाला एग्जांपल दिया था उसमें तो आपने ड्रॉप डाउन बनाया। हाँ, तो मैं ड्रॉप डाउन नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास ये तो 5 ही ना हो सकते हैं इसके, आपके अगर किसी कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज के डेटाबेस में क्या लग रहा है, 5 या 10 या 20 नेम होंगे, उसमें तो बहुत सारे नेम हो सकते हैं ना, बहुत सारे डेटा हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम डिफाइन ड्रॉप डाउन नहीं दे सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए 10,000 नेम का ड्रॉप डाउन दे दूंगा तो 10,000 को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा ना। सो आप अगर किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे सिटी सेलेक्ट करने का ड्रॉप डाउन होता होगा, कोर्स सेलेक्ट करने का ड्रॉप डाउन होता होगा, क्या अकाउंट नंबर डालने का या रोल नंबर डालने का ड्रॉप डाउन मिलता है? नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में होती है, ड्रॉप डाउन बनाना मुश्किल है। सो यहाँ पे ड्रॉप डाउन की पॉसिबिलिटी नहीं, समझ गए?
सो यहाँ मैनुअली नंबर टाइप करेंगे, 2 3 ऐसे टाइप करेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, इस तरह से डालेंगे टाइप, क्योंकि यूनिक नंबर है ना। जैसे बैंक में जाते हो तो बैंक बैंक का क्या करता है, आपका अकाउंट नंबर फॉर्म में फिल करता है ना, और पूरी डिटेल आ जाता है। उसी तरह से मैं यहाँ पे रोल नंबर फिल करूँगा, डिटेल आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया मैच का, तो मैच फॉर्मूले में मैंने सेलेक्ट किया लुकअप वैल्यू, मैं किसको लुकअप करना है, और फिर आता है कहाँ लुकअप करना है। तो मैंने पूरा कॉलम दे दिया किसका, हमारे रोल नंबर का, फोटो का मत दीजिएगा, अपने कॉलम का दीजिएगा, कॉमा 04 एग्जैक्ट मैच करना, बराबर होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। तो इसने 1 दे दिया, अब 1 क्या दिया, तो बेसिकली इसने दिया इसका रोल नंबर। अब मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे रोल नंबर थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ, 101 कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 105, तो 105 का यहाँ पे दिखा दिया 5, 101 कर दिया, दिखा दिया 1, मतलब कि एक पहले नंबर रो पे। अब क्या होता है, जब हम सम का फॉर्मूला देते हैं ना, सम का फॉर्मूला, और सम के फॉर्मूले मान लीजिए मैंने इसको कॉलम को लिया एंटर मारा, तो इसके अंदर जो होता है क्या होता है, ये रेफरेंस ये होता है ना, सीट ए बाई ए होता है ना, या अगर मान लीजिए मैं किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ, इक्वल किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ, तो क्या होता है A1 होता है ना, A1। ऐसे अगर कोई पिक्चर को कॉपी, मान लीजिए इस सेल को कॉपी किया और मैं यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर यहाँ पे ला दे, तो ऊपर जो क्या लिखा हुआ, B1 लिखा हुआ है ना। अब इस लास्ट में जो 1 लिखा हुआ है, अब यही इसी को 2 कर देना, मान लीजिए 102 है, तो इसी को मैं लास्ट B1 को अगर मैंने B2 कर दिया तो आ गया नेम। अब मैं ऐसे में 103 करता हूँ तो यहाँ पे 3 आया, मैच का रिजल्ट 3 आया, तो यहाँ जो 2 है उसको 3 कर दूँ, मतलब कि जो हमारा पिक्चर लुकअप है उसका जो रो नंबर है वो मैं मैच के रिजल्ट के अकॉर्डिंग डाल दूँ, तो क्या होगा, हमारा पिक्चर्स उसी नंबर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। समझ में आया आपको, तो कैसे डालें, क्योंकि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, इसको इन्वर्टेड कॉमा में डालता हूँ क्योंकि टेक्स्ट हो जाएगा ना, और 3 को यहाँ डालता हूँ, और एन परसेंट से हमने इसको डाल दिया, इसको D6 समझे। तो हमने कंबाइन, ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए ना यहाँ पे अगर आप लिखा हुआ है सुजीत और यहाँ पे लिखा हुआ है कुमार, और मुझे दोनों को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आप पहले वाले को सिलेक्ट करो, एन परसेंट लगाओ, और दूसरे वाले को सिलेक्ट करो, तो दोनों ज्वाइन होकर यहाँ पे शो कर जाएगा। तो उसी तरह से हमने इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि किसी और सेल पे नहीं लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने बाकी लिख दिया C3/B$ दे दिया, सिर्फ नंबर के लिए हमने एन परसेंट लगा के D6 कर दिया। क्लियर है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया हमने, D6 में। मैम मैंने क्या बोला कि इन्वर्टेड कॉमा टेक्स्ट पे लगता है, बी सिक्स का रेफरेंस है ना हमारा। ठीक है ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करूँगा, और फिर अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा क्या, क्योंकि डिफाइंड नेम किसी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता है, ए सॉरी पिक्चर लिंक। तो हम यहाँ पे एक और क्या करेंगे, नेम डिफाइन करेंगे, उसका नाम मैं फोटो कर देता हूँ, फोटो, और यहाँ इक्वल टू मैंने डाल दिया इन डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन, और इसमें हमने दिया फोटो और ब्रैकेट क्लोज कर, नहीं फोटो नहीं माफ़ कीजिएगा, इसमें हम कर देंगे D7, ठीक है D7 कर दिया, और D7 डालने के बाद D7 को फ्रीज भी करना है, एंड ओके। अब मैं इसको सिलेक्ट किया और इसके जगह पे हम लिख देते हैं फोटो,
अब मैं यहाँ पे देखिए 101, 102, 103, 104, 105, ठीक है। तो ये फोर तो आपने कौन से सेल में लिखा था जाके? कहाँ सेल में लिखा था? मतलब ये लास्ट में जो आपने इक्वल टू फोर तो लिखा था, सेल में नहीं लिखा, पिक्चर पे लिखा ना, जैसे मैंने यहाँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था शो, ऐसे में यहाँ पे फोर। जी ठीक है ठीक है, समझ में आया आपको नितिन जी? हेलो नितिन जी, लेकर आ गया, आ गया, वो म्यूट हो। तो ये था पिक्चर लुकअप, और मुझे लगता है गरिमा जी आगे पढ़ाने से अच्छा है कि इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर ले, फाइल में आपको भेज देता हूँ रेफरेंस के लिए, इसको प्रैक्टिस कर ले तो आगे पढ़े तो बेटर रहेगा, क्योंकि आगे टॉपिक थोड़ा सा समझ मार्क से मिक्सअप हो जाएगा ना, क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, नहीं नहीं सही बात है। एक चीज़ और, मतलब ये डेटा के ऊपर ही डिपेंड करेगा ना कि हमें मैथ का फॉर्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। हाँ वो तो वाले में हमने फिल्टर ही लगाया। हाँ वो तो डिपेंड करता है मैथ से, फॉर्मूला तो सिचुएशन में डिपेंड करता है ना, आगे जैसे 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 नॉलेज बढ़ेगा आपका वैसे आप सिचुएशन को समझने लगेंगे ना। जी जी जी, तो मुझे नितिन जी फाइल आपको ही भेज दूँ मैं? जी सर भेज दीजिए। तो आपने ईमेल आईडी मुझे दे देंगे? जी